सनातन धर्म के ध्वजावाहक अघोर परंपरा के आचार्य, अघोर पीठ महाशमशान हरिश्चंद्र घाट काशी एवं अघोर पीठ बाबा सत्यनाथ मठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्रचंडेश्वर कपाली जी महाराज, जहां एक तरफ पितृपक्ष में जगत जननी माता सती एवं उन सभी असंख्य स्त्रियों बालिकाओं का तर्पण करते हैं जिनको कोई भी जल देने वाला नहीं होता, तो वही नवरात्रि में अनगिनत कन्याओं का पूजन एवं बच्चों को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। चाहे तर्पण हो या पूजन, महाराज जी कभी भी संख्या को महत्व नहीं देते। विशेषकर जब महाराज जी नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं से घिरे होते हैं तो उनका वात्सल्य से भरा देव स्वरूप देखते ही बनता है। जहां पंगत में बैठे बच्चों का वे स्वयं सम्मान भी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराने में आनंदित भी होते हैं। कन्या पूजन एवं विजयदशमी के वास्तविक अर्थ को समझाते हुए महाराज जी ने कहा, अभी हमने जिसको आपने कन्या पूजन का नाम दिया, वो हमारी घोर परंपरा में प्रत्यक्ष शक्ति पूजन के नाम से जाना जाता है। यह उपक्रम अघोर परंपरा एक बात पर विशेष बल देती है, जो सदाचरण है, और शक्ति पूजा के माध्यम से, जिसे हम कुमारी पूजन कहते हैं, जिसे हम कन्या पूजन कहते हैं, उसके माध्यम से हम अपनी भावना जगत जननी जगदम्बा में आरोपित करते हैं, और जिन बालिकाओं को हम पूजित करते हैं उनके भीतर भी देवत्व का विकास हो, उनके अंदर कभी संस्कार की क्षीणता न आने पाए, समसामयिक विषमताएं उनके ऊपर असर न करें, धर्म पर वो आरूढ़ रहें, इन सारी चीजों को समायोजित रूप से इस पर्व में ही देखना चाहिए। शक्ति पूजन का पर्व ये बताता है। आज दशहरा है, विजयदशमी जिसे हम कहते हैं, शक्ति पूजन का पर्व ये बताता है कि स्त्री सदैव सम्माननीय है। आप उसे जानते हो न जानते हो ये बात मायने नहीं रखती। आप देखें सुमने सुम चंड मुंड महिषासुर जैसे पराक्रमी राक्षस माँ जगदम्बा के कोमल स्वरूप जिसे हम पूजित करते हैं उसके हाथों से भीषण युद्ध के दौरान मारे गए। ये आचरण की भिन्नता थी, इसलिए आचरण पर बल देता है। स्त्री सदैव अवध्य और पूज्य है, इस पर बल देती है नवरात्र की पूजन परंपरा। रही बात विजयदशमी की और कुमारी पूजन के माध्यम से, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हम उन मंदिरों में जाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं जहां पाषाण की प्रतिमाएं हैं, धातु की प्रतिमाएं हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, और आचार्यों द्वारा मंत्रों के से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यह काया रूपी मंदिर जिसे परमात्मा ने स्वयं बनाया है और स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करके इस धरती पर भेजा है, इसमें अगर हम देवत्व नहीं देख पाते, इसमें अगर हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते, तो हमारा मंदिरों में पूजा करना व्यर्थ है। यह नवरात्र का मूल संदेश है, कुमारी पूजा का मूल उद्देश्य है। और रही बात विजयदशमी की जो हम लोग कर रहे थे, तो विजयदशमी भी इस बात की ही द्योतक है कि आप कितने भी बड़े पांडित्य से संपन्न हो, विद्वान हो, बलशाली हो, तपस्वी हो, लेकिन अगर आपका आचरण समाज के अनुकूल नहीं है तो आप एकदम कमजोर निरीह अपने सामने जो वनवासी है। ये अलग बात है, भगवान राम नारायण के अवतार थे, लेकिन अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो रावण की संपन्नता के आगे, रावण की विद्वता के आगे, रावण के शूरता के आगे राम कहीं ठहरते नहीं थे। लेकिन एक छिद्र गीता में भगवान ने कहा कि एक छिद्र जैसे एक विशाल पोत को डुबाने के लिए सक्षम है, उसी प्रकार समाज में आचरणहीनता पूर्वक किया गया कार्य रावण जैसे पराक्रमी को भी धूल धूसरित करने में कोई समय नहीं लगाता। तो विजयदशमी का यह पर्व, अन्याय पर न्याय की बात लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, आचरण की पवित्रता पर बल देता है। समाज में आप कैसे रहे, कैसे समझे, जो समाज के लिए निषिद्ध आचरण है उससे कैसे दूर रहे, इस पर बल देता है। रावण के पराक्रम को याद कीजिए, रावण के पुरुषार्थ को याद कीजिए, और एक लखपुत सवा लखनाती ते रावण घर दिया न बाती, इसको भी याद कीजिए। अगर हम आचरणहीन होते हैं
अगर हम पर स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं तो हमें नष्ट होने में बिल्कुल समय नहीं लगता, चाहे हम रावण जैसे ही पराक्रमी तपस्वी ज्ञानी और विद्वान क्यों हों। विजयादशमी पर्व पर समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं। हम सभी भगवान राम से प्रेरणा लें और रावण से भी प्रेरणा लें कि क्या नहीं करना। इन्हीं शब्दों के साथ हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।